बुधवार को नगर निगम के सभागार में कोटक महिंद्रा के सहयोग से बनाया गया गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक ऐप का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। ऐप के माध्यम से सफाई कर्मियों को प्रतिदिन वार्डों की साफ सफाई की फोटो अपलोड करनी होगी। ऐप नगर निगम के कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। ऐप किस तरह से काम करेगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया। इस अवसर पर उपसभापति जितेंद्र सैनी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, प्रोग्रामर और जावेद अनवर सिद्दीकी, सहायक प्रोग्रामर कंप्यूटर विभाग, सहायक लेखा अधिकारी लेखा विभाग राजीव कुशवाहा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद निर्माण विभाग, अजय श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक स्वास्थ्य विभाग और कंप्यूटर ऑपरेटर कादिर जलकल विभाग सहित अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा। मोबाइल दिखा दीजिए। माइक निकाल के कोई निकल जाएगा, एक माइक मोबाइल उसको दिखा दीजिए। देखिए, सभी कर्मचारियों की एक जिम्मेदारी रहेगी कि आज महापौर महोदय द्वारा जो प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी का ही एक पार्ट है हमारा कि यह लॉन्च हुआ है, जिसमें नगर की सफाई व्यवस्था के लिए, नगर की बेहतरी के लिए जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में इसमें और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो नगर निगम प्रदान करता है, चाहे वो टैक्सेशन से है, सीवर है, जलकर है, ड्रिंकर है या और भी चीज़ों को इनसे जुड़ा जाएगा, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें कोई भी कर्मचारी या कोई भी नागरिक इस ऐप का लाभ ले सकता है और कहीं भी गंदगी पाए जाने पर, जैसे शहर में तमाम छोटे बड़े गद्दे नगर निगम लगा रखा है, प्रतिदिन सफाई गंदगी उठाने के पहले का एक फोटो उसमें लोड होगा, फिर सफाई करने के बाद जो ड्राइवर गाड़ी का है वो एक मोबाइल पे फोटो खींचेगा और उसी जगह उसको फोटो जो है दोबारा सफाई के बाद अपलोड कर देगा। यानी इस ऐप से पता लग जाएगा कि उस कूड़ेदान की सफाई हुई कि नहीं हुई, पर्टिकुलर चौराहे पे सफाई हुई कि नहीं हुई। कोई भी नागरिक यदि कहीं गंदगी पाएगा तो उस डब्बे के पास का फोटो खींच करके वो उसको अपलोड कर देगा। इसमें व्यवस्था ये दी गई है कि अलग से एड्रेस भरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप पे एक फोटो खींचिए वो और डाल दीजिए, अपलोड करिए, स्वतः अपने आप GPS सिस्टम से उसका किस जगह का वो कूड़ेदान है, किस जोन का है, किस वार्ड का है, अपने आप कंप्यूटर उसको ले लेगा। आपको सिर्फ एक फोटो अपलोड नागरिक कर देगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसकी एक राउंड की ट्रेनिंग दी जा सकती है, अभी और बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो शिकायतें आएंगी उसको आपको दूर करना है, वहाँ सफाई करानी है। इसी प्रकार निर्माण कार्य जो भी हो रहे हैं उसके प्रतिदिन की निगरानी इस ऐप के माध्यम से हो सकती है, चाहे मेयर साहब करना चाहे, नगर आयुक्त करना चाहे, चीफ इंजीनियर, प्रतिदिन जो JEE के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसका आकलन किया जा सकता है। उन्होंने साइट पे विजिट किया कि नहीं किया, विजिट किया तो उसकी फोटो डाली कि नहीं डाली, साप्ताहिक प्रगति क्या है, प्रतिदिन की क्या प्रगति है, इस ऐप के माध्यम से हम जा करके उस पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ, ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ और नगर निगम को जो है ई गवर्नेंस में सुधार लाने की तरफ एक हमारी उपलब्धि है, नगर निगम का एक बढ़ता हुआ कदम है। तो सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि प्ले स्टोर पर जा करके इसको जो है जरूर आप डाउनलोड कर लेंगे, बाद में एक अभियान चला के IEC के माध्यम से हम नागरिकों को भी इस ऐप के बारे में जानकारी देंगे और उनसे भी आह्वान करेंगे कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके माध्यम से अपनी जहाँ भी गंदगी पाएँ उसको अपलोड करें ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिले लेवल पे जिलाधिकारी कार्यालय में व्यवस्था की जा रही है, ये सारे कार्यों के हमारे साथ साथ मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय भी इस ऐप की पहल को आगे बढ़ाया है। हमारे उपस्वास्थ्य सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें सारा सॉफ्टवेयर सब कुछ बना करके एक
एक ऐप जारी किया गया है जिसमें जनता उसको डाउनलोड करके अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा सकती है और वो सीधे नगर निगम में आएगा और उस पर कार्रवाई होगी और तय सीमा के अंदर उसको निपटाया भी जाएगा, चाहे वो निर्माण का मामला हो, सफाई का मामला हो या किसी तरह के भी मामले हो नगर निगम से जुड़े, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं जिसको आज लॉन्चिंग किया गया।